अध्याय 6। इन बातों के बाद यीशु गलील की झील अर्थात तिबिरियास की झील के पास गया और एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, क्योंकि जो आश्चर्य कर्म वो बीमारों पर दिखाता था वो उनको देखते थे। तब यीशु पहाड़ पर चढ़कर अपने चेलों के साथ वहां बैठा और यहूदियों के फसह का पर्व निकट था। तब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते देखा और फिलिपुस से कहा कि हम इनके भोजन के लिए कहां से रोटी मोल लाएं? परंतु उसने ये बात उसे परखने के लिए कही, क्योंकि वो आप जानता था कि वो क्या करेगा। फिलिपुस ने उसको उत्तर दिया कि 200 दीनार की रोटी भी उनके लिए पूरी ना होगी कि उनमें से हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल जाए। उसके चेलों में से शमौन के भाई अंद्रियास ने उससे कहा, यहाँ एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटी और 2 मछलियां हैं, परंतु इतने लोगों के लिए वो क्या है? यीशु ने कहा कि लोगों को बैठा दो। उस जगह बहुत घास थी। जब वे लोग जो गिनती में लगभग 5,000 थे बैठ गए, तब यीशु ने रोटियां ली और धन्यवाद करके बैठने वालों को बांट दी, और वैसे ही मछलियों में से जितनी वे चाहते थे बांट दिया। जब वे खाकर तृप्त हो गए तो उसने अपने चेलों से कहा कि बचे हुए टुकड़े बटोर लो कि कुछ फेंका न जाए। सो उन्होंने बटोरा, और जबकि 5 रोटियों के टुकड़े जो खाने वालों से बच रहे थे उनकी 12 टोकरियां भरी। तब जो आश्चर्य कर्म उसने कर दिखाया उसे वे लोग देखकर कहने लगे कि वो भविष्यद्वक्ता जो जगत में आने वाला था निश्चय यही है। यीशु ये जानकर कि वे मुझे राजा बनाने के लिए आकर पकड़ना चाहते हैं, फिर पहाड़ पर अकेला चला गया। फिर जब संध्या हुई तो उसके चेले झील के किनारे गए। वे नाव पर चढ़कर झील के पास कफरनहूम को जाने लगे। उस समय अंधेरा हो गया था और यीशु अभी तक उनके पास नहीं आया था, और आंधी के कारण झील में लहरें उठने लगी। सो जब वे खेते खेते 3-4 मील के लगभग निकल गए तो उन्होंने यीशु को झील पर चलते और नाव के निकट आते देखा और डर गए। परंतु उसने उनसे कहा, मैं हूं, डरो मत। सो वे उसे नाव पर चढ़ा लेने के लिए तैयार हुए, और तुरंत वह नाव उस स्थान पर जा पहुंची जहां वह जा रहे थे। दूसरे दिन उस भीड़ ने जो झील के पार खड़ी थी ये देखा कि यहां एक को छोड़कर और कोई छोटी नाव ना थी, और यीशु अपने चेलों के साथ उस नाव पर ना चढ़ा था, परंतु केवल उसके चेले चले गए थे। तो भी और छोटी नावें तिबरियास से उस जगह के निकट आई जहां उन्होंने प्रभु के धन्यवाद करने के बाद रोटी खाई थी। सो जब भीड़ ने देखा कि यहां ना यीशु है और ना उसके चेले, तो वे भी छोटी छोटी नावों पर चढ़कर यीशु को ढूंढते हुए कफरनहूम को पहुंचे और झील के पार उससे मिलकर कहा, हे रबी, तू यहां कब आया? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने अचंभित काम देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। नाशमान भोजन के लिए परिश्रम न करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप कर दी है। उन्होंने उससे कहा, परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य ये है कि तुम उस पर
जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। तब उन्होंने उससे कहा, फिर तू कौन सा चिन्ह दिखाता है कि हम उसे देखकर तेरी प्रतीति करें? तू कौन सा काम दिखाता है? हमारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया, जैसा लिखा है कि उसने उन्हें खाने के लिए स्वर्ग से रोटी दी। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मूसा ने तुम्हें वो रोटी स्वर्ग से न दी, परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है, क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। तब उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, ये रोटी हमें सर्वदा दिया कर। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आएगा वह कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करेगा वह कभी प्यासा ना होगा। परंतु मैंने तुमसे कहा कि तुमने मुझे देख भी लिया है तो भी विश्वास नहीं करते। जो कुछ पिता मुझे देता है वह सब मेरे पास आएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी ना निकालूंगा, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ। और मेरे भेजने वाले की इच्छा यह है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है उसमें से मैं कुछ न खोऊं, परंतु उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊं, क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। सो यहूदी उस पर कुड़कुड़ाने लगे, इसलिए कि उसने कहा था कि जो रोटी स्वर्ग से उतरी वो मैं हूं। और उन्होंने कहा, क्या ये यूसुफ का पुत्र यीशु नहीं, जिसके माता पिता को हम जानते हैं? तो वो कैसे कहता है कि मैं स्वर्ग से उतरा हूँ? यीशु ने उनको उत्तर दिया, आपस में मत कुड़कुड़ाओ, कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच न ले, और मैं उसको अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। भविष्यद्वक्ताओं के लेखों में ये लिखा है कि वे सब परमेश्वर की ओर से सिखाए हुए होंगे। जिस किसी ने पिता से सुना और सीखा है मेरे पास आता है। ये नहीं कि किसी ने पिता को देखा, परंतु जो परमेश्वर की ओर से है केवल उसी ने पिता को देखा है। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है। जीवन की रोटी मैं हूं। तुम्हारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाए और मर गए, ये वो रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है, ताकि मनुष्य उसमें से खाए और न मरे। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूं, यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वो मेरा मांस है। इस पर यहूदी ये कहकर आपस में झगड़ने लगे कि ये मनुष्य क्यों कर हमें अपना मांस खाने को दे सकता है? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जब तक मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ और उसका लोहू न पियो तुम में जीवन नहीं। जो मेरा मांस खाता और मेरा लोहू पीता है अनंत जीवन उसी का है, और मैं अंतिम दिन फिर उसे जिला उठाऊंगा, क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लोहू वास्तव में पीने की वस्तु है। जो मेरा मांस खाता और
लोहू पीता है वो मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। जैसा जीवते पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूं, वैसा ही वो भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। जो रोटी स्वर्ग से उतरी यही है, बाप दादों के समान नहीं कि खाया और मर गए। जो कोई ये रोटी खाएगा वो सर्वदा जीवित रहेगा। ये बातें उसने कफरनहूम के एक आराधनालय में उपदेश देते समय कही, इसलिए उसके चेलों में से बहुतों ने ये सुनकर कहा कि ये बात कठोर है, इसे कौन सुन सकता है। यीशु ने अपने मन में ये जानकर कि मेरे चेले आपस में इस बात पर कुड़कुड़ाते हैं, उनसे पूछा, क्या इस बात से तुम्हें ठोकर लगती है? यदि मनुष्य के पुत्र को जहां वो पहले था वहां ऊपर जाते देखोगे तो क्या होगा? आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं, वे आत्मा हैं और जीवन भी है। परंतु तुम में से कितने ऐसे हैं जो विश्वास नहीं करते? यीशु तो पहले ही से जानता था कि जो विश्वास नहीं करते वे कौन हैं और कौन उसे पकड़वाएगा। और उसने कहा, इसलिए मैंने तुमसे कहा था कि जब तक किसी को पिता की ओर से ये वरदान न दिया जाए तब तक वो मेरे पास नहीं आ सकता। इस पर उसके चेलों में से बहुतेरे उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ ना चले। तब यीशु ने उन बारहों से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? शमौन पतरस ने उसको उत्तर दिया कि हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास हैं। हमने विश्वास किया है और जान गए हैं कि परमेश्वर का पवित्र जन तू ही है। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या मैंने तुम बारहों को नहीं चुन लिया? तो भी तुम में से एक व्यक्ति शैतान है। ये उसने शमौन इस्करियोती के पुत्र यहूदा के विषय में कहा, क्योंकि यही जो उन बारहों में था उसे पकड़वाने को था।